लेकिन जो हमारे वैष्णव लोग अगर वो निष्को
ईश्वर पर पढ़ रहे हैं, पिछले पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनको पता होना चाहिए कि संसार में क्या चल रहा है। इसलिए ऐसे भक्ति विधान शिलक स्वामी प्रभुपाद जी, एक बार उसे किसी व्यक्ति ने बोला कि महाराज जी आप तो हवाई जहाज में घूम दो, बड़े बड़े उपकरण लैपटॉप यूज कर दो, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हो, है इसका क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि भैया तुम लोग हो बहुत बड़े चोर, ठीक है, और तुम्हारे तुम चोर हो और मैं हूँ पुलिस वाला, अब तुम्हें तुम भाग रहे बड़ी बड़ी गाड़ियों में, तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे तो गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, है ना। अगर तुम गाड़ी में भाग रहे हो तो भैया मुझे हवाई जहाज पकड़ना पड़ेगा, तुम बाइक में भाग रहे हो तो मुझे कार पकड़नी पड़ेगी, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों का यूज कर रहा हूँ कि तुम लोग भाग रहे हो तो मुझे तुमसे भी आगे भागना है ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूँ और माया से बचा सकूँ। तो जो वैष्णव लोग हैं ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसका साधारण चीज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि अभी बहुत पहले खबर आई थी, न्यूज़पेपर में खबर छपी थी कि जब राम मंदिर बनेगा तो मंदिर वालों को साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई रेलिंग नहीं निकालनी, किसी प्रकार का तुम्हें हल्ला नहीं करना, नगर संकीर्तन नहीं निकालना, क्योंकि सोच सकता है कि जो मुस्लिम लोग के जो लोग हैं उनको ठेस पहुँचे, है ना। तो ये चीज़ अखबार में छपी थी और पब्लिश की गई थी। क्यों की गई थी? अगर कोई वैष्णव लोग सीनियर लोग जो मठाधीश है जो मठ इंचार्ज है वो ये चीज़ नहीं पढ़ता, ठीक है, उसी में आके जो रेलिंग निकाल देता कुछ हो जाता तो क्या हो जाता, लेने का देना पड़ जाता, ठीक है। वैसे बहुत सी चीज़ है, ब्रह्मचारी मठ में रह रहे इसका कोई आधार कार्ड बनेगा, मोदी ने क्या स्कीम निकाली है, ये सब चीज़ें भी पता होनी जरूरी है, बस किस लिए, भक्ति रिलेटेड, ठीक है, बाकी क्या है नॉर्मली नहीं होना चाहिए। फिर वृद्धा गर्भ के अंदर हमने सारी चीज़ें सीखी थी। हमारा दूसरा जो वृद्धा गर्भ के अंदर आता है वो है वितर्क। क्या है वितर्क? वितर्क के अंदर बताया गया कि शास्त्रों में जो भी हमारे न्याय शास्त्र मीमांसा जो भी सब कुछ हमें दी गई है, शास्त्रों के भीतर जो तर्क है जो भी हमारे उसके अपोजिट जो भी बातें बताई जाएंगी वो क्या बताई जाती है, वितर्क। कहते हैं तर्क वितर्क। तो हमारे जो शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जो कुछ मायावादी लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, ये सब लोग क्या करते हैं उसमें वितर्क करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वो भगवान की सत्ता को मानते हैं, उसी में उनका सारा कैश होती है कि नहीं भगवान है ही, ठीक है। और एक श्लोक हमारे गुरुदेव बहुत अच्छा बताते हैं कि वो खूब रेड लेके भी घी खाओ, है ना, इसने देखा है कौन अगले जन्म में क्या होगा, खूब खाओ पियो ऐस करो इंजॉय करो, अभी क्या है। तो वास्तव में सब चीज़ें नहीं है, इसी में तर्क तक चलता रहता है, ऐसा नहीं कि शास्त्र में जो वो वितर्क करने की नहीं है, ऐसा नहीं है। इसने देखा मरने के बाद अभी खूब खा पी लो, उधार ले लो लोगों से, खूब पैसा खा लो, नहीं, ये इसका भी हमें फर्क भोगना पड़ेगा। इसके लिए हमारे शास्त्रों को छोटी की कथाएँ बताएंगी। एक कथा है कि दो व्यक्ति थे, दोनों मित्र थे, उन दोनों ने एक बार डिसाइड किया कि हम बाहर जाके बिजनेस करेंगे। उन दोनों के पास कुछ पैसा था, वो उस पैसे को लेकर विदेश गए और उन्होंने वहाँ जाके काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया। जब वो पैसा कमा के वापस आए थे तो उन दोनों के मन में इच्छा हुई कि हम एक काम करते हैं, हमने पैसा तो कमा लिया है, अब हम थोड़ा हमने काफ़ी टाइम पहले बचपन में निकल गए थे, थोड़ा घूम फिर लेते हैं। उन लोगों ने काफ़ी पैसा कमाया था, एक मित्र के मन में कपट आ गया, क्यों ना मैं सारा पैसा नहीं हटा दूँ। तो उसने एक प्लान किया और ट्रेन में एक पकौड़े वाले को उसने अपने साथ मिला लिया और बोला कि मेरे साथ साथ जो मेरा मित्र है उसको ये पकौड़ा खिला दिया, ठीक है। उसने क्या मिलाया, जहर मिलाया और उसको खाने से उसका जो मित्र था वो मर गया और उसने उसके घर में जाके झूठ झूठ बोल दिया कि ये किसी कारण से इसकी मृत्यु हो गई और उसने सारा पैसा उसका हड़प लिया, ठीक है। उसने काफ़ी अपना गांव में बहुत अच्छा बिजनेस किया, पैसा और कमाया, खूब इंजॉय किया, लेकिन उसके घर में कुछ टाइम बाद एक संतान हुई। जब वो संतान भी जो थोड़ी बड़ी की जब उसका विवाह हुआ तो वो उस विवाह के बाद से वो बीमार रहने लगा और वो इतना बीमार रहने लगा कि उसकी सारी संपत्ति सारी खत्म होने लग गई। जब उसके बाद थोड़ा सा धन बचा ना तो वो बच्चा खुद ही बोला कि पिताजी आपको याद है कि आपका एक मित्र था। पिताजी ने कहा इसको कैसे बताया, इसको मैंने इसको कभी बताया नहीं, मैंने अपने बच्चे को कभी बताया नहीं अपने मित्र के बारे में, इसको कैसे बता। इसने कहा मैं वही मित्र हूँ, है ना, मैं वही मित्र हूँ, आपका शत्रु पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ है, ठीक है, जो आपने जितना पैसा मेरे से हड़पा था उतना सारा वसूल करके जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की कहानी थी। जो जो जिस उसकी पत्नी थी उन्होंने पूछा कि मेरी जो तुम्हारी पत्नी है इसको क्यों कष्ट भोगना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि तुम्हारी पत्नी थी ना, ये वही पकौड़े वाली थी, ये पकौड़े वाला था जिसने पकौड़े में जहर मिला के खिलाया था, तो दोनों को ही पाप भोगना पड़ेगा। तो हमारे शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं वो बिल्कुल 100% सत्य बताई गई हैं। इसमें बताया कि हमें तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बताया गया दो तरीके होते हैं, एक नास्तिक दर्शन, एक होता है आस्तिक दर्शन। तो ये से नास्तिक दर्शन जो भगवान को नहीं मानते, भगवान की सत्ता को नहीं मानते, भगवान की बातों को नहीं मानते, शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं उसमें तर्क वितर्क करते हैं, एक होता है आस्तिक दर्शन। इसमें बताया गया कि बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि हैं, बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं और वेदांत हैं, मायावादी ग्रंथ हैं, तो क्या ये सब गलत है? तो इनमें बताया गया कि इनमें भी काफ़ी तरह तरह की बातें गई हुई हैं, है ना, वो हमें अपने अधिकार के हिसाब से देखनी है। और जैसे कि हम भगवद्गीता, भागवतम, गीता, रामायण, ये सब चीज़ें यह भक्तिप्रद ग्रंथ है। बाकी किसी में बताया गया कर्म, इस कर्म प्रधान है, कोई कहता है नहीं गया कर्म ज्ञान की ओर, कोई ध्यान की ओर, ये सब चीज़ें हमें मिश्रित मिलेंगी सारे ग्रंथों में। इन्हीं में सारा जीवन में तर्क वितर्क चलता रहता है। जैसे कि हमारा शंकराचार्य जी के थे, उनको भगवान ने बोला कि जाओ तुम, अभी क्या हो रहा है कि भक्त जो लोग हैं और अभक्त लोग हैं दोनों मिश्रित हो गए, ये पता नहीं चल पा रहा कौन भक्त है कौन अभक्त है, और दोनों क्या है गलत पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब एक काम करो, और ये सुनने वाले भी फिर यह है, तुम एक काम करो, जाओ अतथ्य को अतथ्य कर दो, शंकराचार्य जी को भगवान ईश्वर भेजा कि जाओ तुम तथ्य को अतथ्य कर दो। और वो शंकराचार्य जी आए, उन्होंने यहाँ अपना दोबारा क्या शुरू कर, कौन सा धर्म शुरू किया था, कौन सा मायावाद को उन्होंने प्रचार किया था, ठीक है, शून्यवाद से वो किसने आ गए थे मायावाद में, उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, क्या बताया हम ब्रह्मवासी हैं, हम ही ब्रह्म हैं। तो जो ये मायावादी लोग थे ना, ये क्या करते थे, इनकी भोग वृत्ति थी बड़ी, ठीक है, इनकी बड़ी भोग वृत्ति थी। तो जब इन्होंने सुना कि हम ब्रह्मवासी, तो बड़े संतुष्ट हुए कि चलो हम ही तो ब्रह्म हैं। तो क्या हुआ, सारे के सारे किधर चले गए, मायावाद की ओर चले गए, और जो बाकी जो भक्त बचे उनका राह जो मार्ग था वो सरल हो गया, भक्त अलग हो गए और मायावादी लोग अलग हो गए। अब बहुत सारे शास्त्रों में बताया जाता है कि भैया तर्क वितर्क की बातें बताई जाती हैं, कि कहीं बताया कि गृहस्थ जो है गृहस्थ जीवन वो सबसे श्रेष्ठ है। इसमें भी एक कथा दी गई है कि एक व्यक्ति था, वो अपना घर बार छोड़ छाड़ के, अपने माता पिता को सबको छोड़ छाड़ के वन में चला गया, और वन में जाके तपस्या करने लगा। और जब वो तपस्या करने लगा तो उसका जो मंत्र था ना वो सिद्ध हो गया, ऊपर एक पक्षी बैठा था, उसने पक्षी ने क्या किया, वो नीचे तपस्या कर रहे थे उनके ऊपर बीट कर दी, और बीट कर दी तो उनके कपड़े खराब हो गए। उन्होंने बड़े गुस्से से उसको देखा, पक्षी को, एक बगुला था, कि अगर मैं होता ना, उनकी मन में इच्छा हुई, कहा भस्म कर देता उस पक्षी को, मन में इच्छा करने से क्या हुआ, उस पक्षी ऊपर पेड़ के ऊपर ही बैठा बैठा भस्म हो गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब मेरा मंत्र सिद्ध हो गया, अब क्या हो गया उनके अंदर अहंकार आ गया। तो जो अहंकार आ गया, वो पास के गांव में भिक्षा करने एक माता जी थी, तो माता जी से बोला उन्होंने मुझे भिक्षा दो, माता जी ने कहा ठीक है, मैं भिक्षा लेके आ रही, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो गया, वो आएंगे, बड़ा क्रोध हो गया, बड़ा गुस्सा आ गया उन्हें कि कहाँ चलेगी माता, भिक्षा क्यों मांगी थी मैंने इनसे। तो माता बड़ी देर में आई, माता जी से पूछा उन्होंने कि क्यों क्या हुआ, इतनी देर कहाँ रह गए थे, तुम मुझे जानते नहीं क्या। उन्होंने कहा कि महाराज अब मुझे क्षमा करें, मेरे पति थे ना उन्होंने मुझे कुछ सेवा बता दी थी, तो मैं अपने पति की सेवा में व्यस्त हो गई थी इसलिए नहीं आ पाई। उन्होंने कहा अच्छा, मतलब तुम्हारे द्वार पे एक भिक्षुक आया है, एक संत आया है, एक महात्मा आया है, तो आप अपने पति की सेवा में लगते हैं, तो मुझे जानती नहीं हो क्या। अब स्त्री ने कहा ये ऐसी बात है, तुम ये मत सोचना कि जो 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 तुमने पेड़ में पक्षी देखा उसकी तरह मुझे जला दोगे, है ना, मैं वो नहीं हूँ जो तो पक्षी को तुम जला के आए हो पेड़ के ऊपर। और जो जिसने वो व्यक्ति था वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, इसको कैसे पता गया कि ये पक्षी को भस्म करके आ रहा, ये तो सब जानती है। तो उसने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता, उसने कहा मुझे सब पता है कि तुम कहाँ से आए, अपना घर गृहस्थी सब छोड़ के आए, तुम वन में गए, तुमने तपस्या की, अब एक काम करो। उसने कहा मुझे और ज्ञान चाहिए। उन्होंने कहा एक काम करो,
दूर के गांव में कहीं दूसरी जगह एक व्यक्ति है, वो कुछ मास्क मतलब कसाई था, तो कसाई था, तो उसके पास जाओ और वो तुम्हें बताएगा कि वास्तव में वास्तविक ज्ञान क्या है। वो व्यक्ति उनके पास गया, कुछ इसी तरह की कहानी है। तो वो व्यक्ति जब उनके पास गया तो कसाई था, उसने देखते पहचान लिया, कह रहा अच्छा आपको उस स्त्री ने भेजा है। वो फिर और आश्चर्य की, तो मैं इसको कैसे बता, उसने बताया कि हाँ मुझे उसने भेजा है। तो उसने उन्हें व्यक्ति को बहुत बड़ा ज्ञान दिया। और अंत में क्या कंक्लूजन निकला, क्या सारांश निकला कि भैया वास्तव में जो तुमने अपने माता पिता की सेवा छोड़ दी, गृहस्थ धर्म छोड़ दिया, यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ठीक है, इसी का पालन करना है, तुम्हें सिद्धि नहीं हो पाई होगी क्योंकि तुमने क्या करा, अपने माता पिता की सेवा की। तो इसलिए क्या करो, घर जाओ। अब ऐसे ऐसे शास्त्रों में बातें दी गई हैं, कोई व्यक्ति है तो क्या सुनेगा, क्या पर समझेगा, इन्हें वे ग्रस्त धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है ना। जैसे एक बार शंकराचार्य और एक होते मंडन मिश्र, इन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हो गया। शंकराचार्य कह रहे इन्हें भैया संन्यास धर्म ही श्रेष्ठ है, और मंडन मिश्र क्या कह रहे हैं, ग्रस्त धर्म श्रेष्ठ है। 17 दिन तक इनके बीच में क्या हुआ, तर्क वितर्क। 17 दिन तक ये एक ही बात को सिद्ध करने में लगे रहे कि भैया ग्रस्त धर्म श्रेष्ठ है या संन्यास धर्म श्रेष्ठ है, और आखिरी में शंकराचार्य जी विजय हुए, उन्होंने उसको परास्त किया, बताया कि ये संन्यास धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसी तरह हमारे श्रीमद महाप्रभु जी ने भी हमें शिक्षा दी थी, जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे, तब उन्होंने उनके पास गए थे पढ़ने के लिए, तो बड़े बड़े सन्यासी लोग थे ना, उनके पास पढ़ने आते थे, जबकि वो ग्रस्त थे। सार्वभौम भट्टाचार्य वो ग्रस्त थे तब भी, लेकिन बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग सन्यासी लोग उनके पास पढ़ने आते थे। क्या पढ़ने आते थे, वेदांत सीखने आते थे, क्या है मायावादी ग्रंथ। तो जब महाप्रभु जी उनके पास आए तो उन्होंने महाप्रभु जी को काफ़ी दिन तक शिक्षा दी, उसके बाद बोले कि मैंने तुम्हें इतने दिन से शिक्षा दे रहा हूँ, तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, या तो इसके दो ही कारण है, तुम चुप बैठे हो, या तो तुम्हें सब समझ आ रहा है या तुम्हें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम चुप बैठे हुए। तो महाप्रभु जी ने बताया कि नहीं मुझे, फिर महाप्रभु जी ने बताया कि जो तुमने व्याख्या की है ना, ये तो व्याख्या है वेदांत, ये क्या है, सूर्य के प्रकाश के समान है, जो सर्वत्र है, लेकिन जो तुम्हारी व्याख्या ने क्या करा, इसको बादल की तरह ढक दिया है, सूर्य के प्रकाश को बादलों की तरह ढक दिया है। तो ये शिष्य जब सुना, सब शिष्यों ने तो बड़े हैरान हो गए, ये मतलब कैसे इनके साथ, इनको कैसे इन्होंने ऐसा बोल दिया, इनके सामने तो किसी की ऐसी हिम्मत नहीं थी बोलने की। फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो उनके बीच में क्या बात हुई, तर्क वितर्क, कोई शास्त्रार्थ। उन्होंने एक श्लोक का अपना नाम मुनियो, उस पर सार्वभौम भट्टाचार्य ने 1 मिनट के अंदर 8 श्लोक बनाए। महाप्रभु ने उसी श्लोक के ऊपर उसकी 16 व्याख्या कर दी, डबल व्याख्या कर दी, और लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य के श्लोक को उन्होंने छुआ भी नहीं। तो ये जब ऐसा हुआ तो सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ये ऐसे कैसे हो गया, वो समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, ठीक है। और हमारे ऐसे तो बहुत सारे शास्त्रों में बताया गया, बहुत सारी बातें तर्क वितर्क की, तो इसमें क्या बताया गया, एक होता है आस्तिक दर्शन, एक होता है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में हमने सुना कि कैसे हमारे साथ बड़े बड़े बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें की गई हैं, है ना, देखा जाए तो हर चीज़ की बातें की गई हैं। अगर किसी को कर्म में किसी की आ सकती है, किसी ज्ञान में आ सकती है, किसी की धर्म में आ सकती है, किसी की योग साधना और किसी की भक्ति में, सबके लिए अलग अलग प्रकार से बताया गया है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्या बताया गया, भक्ति मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। और भक्ति मार्ग के अलावा जो भी हम चेष्टा कर रहे हैं, जो भी हम तर्क वितर्क कर रहे हैं, जो भी हम बातें कर रहे हैं, क्या किसके अंदर आता है, वितर्क के अंदर, ये सब क्या है प्रजल्प, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है प्रजल्प के अंतर्गत ही आते हैं। जो भी हम प्रजल्प करेंगे वो भक्ति के विरुद्ध ही होता है। तो ठीक है, हमारा आज दूसरा भी कम्प्लीट हुआ और इसके विषय में थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारा 2 हो गया, 1 हो गया वृद्धागल, दूसरा प्रजल, ठीक है। अभी हमारे 6 और बचे, तो हम आगे सुनने का प्रयास करें। वंशा अरे हरे कृष्णा, आज जब कल से है ना, जैसे हम लोग भागवत का कथा सुन रहे हो, कल से जो भागवत का जो श्लोक है, जैसे पहला जो श्लोक है महात्म, जैसे पद्म पुराण और स्कंद पुराण,
श्लोक याद किया था ना, इसलिए कल आप लोग जो मेन जो कल पुराण शायद श्लोक भागवत का महिमा श्लोक तो तुम लोग पता होगा, भागवत तो बड़े हैं भागवत, इसलिए हो सके तो कल तुम लोग से जो भागवत की जो महिमा में लोग जो श्लोक है वो श्लोक कल सब ठीक है, भागवत तत्व का जो श्लोक दूसरे दिन प्रसिद्ध करके जो पद्म पुराण का जो श्लोक है उसको ठीक ठीक से तैयार कर दिया, और जो स्कंद पुराण का जो श्लोक है तीसरे दिन उसको प्रसिद्ध करके सवेरे सवेरे ना इस श्लोक को अच्छे तरह से जैसे भागवत बोलते समय श्लोक ठीक ठीक से बोल सके बढ़िया से उच्चारण करके और बढ़िया से बोल सके, इसलिए कल से आप जो भागवत श्लोक सुनेंगे स्कंद पुराण ऐसे करते करते जो मैंने श्लोक है जो भागवत कथा की उसको एक नोट पूरा बना, उस नोट में पूरी के तत्वों को ठीक करना और कल उनसे ठीक। हरे कृष्णा, आज हम लोग प्रभुपाद का एक उपदेश को हमारे श्रवण करें। हरे ओम अज्ञान ज्ञान सला गया चक्षु मिलित गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला कृष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री श्रीमद् भक्ति रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण सवरण अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाविधि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा, आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को जो अलग अलग समय अलग अलग प्रश्न किया है प्रभुपाद इसका क्या उत्तर दिया आज आपको हम लोग श्रवण करते हैं। किसने प्रश्न किया है यदि जो भगवान हमें ये मानव शरीर प्रदान किया है, ठाकुर ने हमें जो ये मनुष्य जन्म दिया है, यदि ये मनुष्य जन्म का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य किया है, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है जगत में हम बहुत से चीज को कर्तव्य मानते हैं, अपना संसार धर्म को जागरण करना, अपना परिवार प्रति कर्तव्य, संसार का प्रति कर्तव्य, हम बहुत सारी चीज को अपना कर्तव्य मानते हैं, ये कर्तव्य ये कर्तव्य ये कर्तव्य। लेकिन किसने पूछा लेकिन ये मानव जन्म पाने का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य किया है, ऐसे कौन सा हम कर्तव्य पालन कर ले एक बार जो हमारे जन्म जन्मांतर का सारे कर्तव्य खत्म हो जाएगा और जन्म जन्मांतर का दुख कष्ट जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए निकल करके हम सही धर्म में हम है। किसने किसी विषय पर प्रभुपाद को प्रश्न किया है अभी हम सुनेंगे प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया। प्रभुपाद कहते हैं दो तरह का विचार है, कितने तरह का, दो तरह का जगत में विचार है। बोले क्या क्या है, कहते हैं प्रेय पर और एक श्रेय पर है, ये दो तरह का विचार है। कहते श्रेय और प्रेय मतलब क्या होता है, कहते प्रेय उसे कहता है जो थोड़ी समय के लिए हमें सुख देने वाला है, इसको कहते हैं प्रेय। कहते श्रेय किसको कहते हैं, बोले अनंत काल के लिए जो वास्तव रूप में हमारे जो कल्याण है इसको कहते हैं श्रेय। अब प्रेय किसको कहते हैं,
थोड़ी समय के लिए तुम उसको कोई सुख प्रदान करेगा, वो सुख भी चिरकाल सुख नहीं है, वो भी थोड़ी समय के लिए सुख है, फिर वही सुख दुख का कारण बन जाएगा, हैं? वही दुख का कारण वही बन जाएगा। इसलिए कहते एक श्रेय है और एक है प्रेय है। कहते कहते जो प्रेय अति सुलभ किंतु श्रेय सहज लग बनाए। कहते जो प्रेय मतलब होता है जो सांसारिक जो सुख है, जो दो दिन के लिए जो सुख है कि क्या है, कहते ये सुलभ है संसार, लेकिन जो प्रेय वस्तु है श्रेय वस्तु है वो इतना सुलभ नहीं प्राप्त होता, जो चिरकाल के लिए जो सुख को प्राप्त करे। इसलिए कहते श्रेय आत्मा प्रेय अच्छे किंतु बहिर्मुख मानस की प्रेय आत्मा श्रेय न्याय। इसलिए कहते जो श्रेय है कहते श्रेय आत्मा प्रेय अच्छे, जो श्रेय श्रेय मतलब क्या होता है, जो सब समय के लिए हमें जो सुख प्रदान करे हैं, सुख प्रदान करे, उसमें कहते संसार की जो सुख उसमें स्वाभाविक रूप में है। अगर वास्तव वस्तु जो भगवान है जिसको पाने पर चिरकाल के लिए हमारे दुख कष्ट खत्म हो जाएगा, श्रेय का अंदर में प्रेय है, मतलब प्रेय मतलब थोड़ी समय के लिए सुख देता है, किंतु बहिर्मुख मानस प्रिय आत्मा श्रेय नहीं। लेकिन जो बहिर्मुख जो मानस के प्रेय है मतलब कि जो संसार का जो सुख है, संसार का जो सुख है उसमें आत्मा का कोई कल्याण नहीं, आत्मा की उसमें कोई कल्याण नहीं, उसमें केवल थोड़ी समय के लिए तुमको सुख प्राप्ति की, जैसे एक जैसे रेगिस्तान देखे ना, रेगिस्तान क्या होता है, जैसे दिखता है ये पानी है, दिखता है पानी, पति क्या सोचता है शायद ये पानी होगा, लेकिन वहाँ पर जाकर देखता है पानी नहीं, तो पानी था गर्मी होने पर, जैसे अब रोड में चलते हुए देखोगे ना, जैसे गर्मी का समय में गाड़ी में जा रहे, लेकिन दूर में देखना कभी कभी पानी पानी दिखता, लेकिन पास में जाकर देखना पानी नहीं। जो प्रेय है जो थोड़ी समय के लिए हमें संसार के सुख देगा, जो ऊपर से दिखता है सुख सुख है, लेकिन पास में जाकर देखो सुख है, उसमें सुख है ही, हम इसको सुख मान रहे थे, जैसे सोचते हैं हम शादी करके सोने की संसार बनाए, बढ़िया संसार शादी करके सोने की संसार, लेकिन शादी करके देखा पत्नी से लड़ी हुई है, बात बात से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, धर्म अशांति दुख कष्ट है, फिर सोचते हैं बच्चे करके सुख पास मिलेगा, लेकिन बच्चे ऐसे जन्म लिया जो बच्चे बात नहीं सुनते, कभी सोचते हैं अभी सुन रहे थे ना पता ना रहे थे, सोच रहे थे कभी बच्चा कितने बदमाश बन जाता है, लगता है किसी पूर्व जन्म का शत्रु ही बेटा बन गया, अपना शत्रुता लेने के लिए बन के गया है, इसलिए सोचते हैं बेटे का साथ शादी करने पर सुख हो जाएगा, घर में जब हो गए तब से घर में लड़ाई झगड़ा कलह हो गया, सास एक बोले बहू एक बोलते बहू एक बोले सास एक बोलती लड़ाई झगड़ा, ये संसार का जो सुख है वो दिखता है जैसे सुख है, पास में जाकर ना कोई सुख नहीं। इसलिए जो सवेरे सवेरे हम जो भजन गाते हैं ना, कहते संसार दावा गीत भैया, संत लोग जो बात बोले वो कभी छूटा नहीं, संसार को बताई तवानल अग्नि जल रही है, मतलब जो जंगल में लकड़ी लकड़ी से घिस घिस करके जो आग निकलती है उसको दबा लग गए अपने आप, उसको आग को कोई नहीं जलाते, वो अपने आप जंगल में लकड़ी लकड़ी घिस घिस करके वो आग प्रकट होता है। उसी तरह हमें कोई दुख दूसरे कोई देने के लिए नहीं आ रहे, आपस में हमने ये लड़ाई झगड़ा कर रहे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो श्रेय जो प्रेय है संसार का हर चीज यही देखो, इसको छोड़ करके और कुछ है ही नहीं संसार में। इसलिए इसमें हमारे नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन गाते हैं, हार बोलिया गलाए पड़ी लू सामान की कर साफ, जिसको हमने हार मान करके गले में पहन लिया तो देखा सखत बिल्कुल है। कहते हैं है? कहते इखो दंड भावी काट चिशुली, कहते हमने सोचा शायद ये क्या होगा, इको मतलब घने का जूस होगा, लेकिन देखा घना को सोच करके है कि आपने लकड़ी को हमने चूस रहे, लकड़ी को हम चूस रहे, सोच रहे शायद उससे रस निकलने वाले, भैया इससे रस निकलने वाले नहीं।
नहीं है, इसमें रस नहीं निकलने वाले। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो प्रेय है श्रेय का धर्म है। श्रेय मतलब जो वास्तव रूप में आत्मा की जो कल्याण है, जिसमें वास्तव रूप में आत्मा की इसमें मंगल हो उसका अंदर में तो प्रेय है, लेकिन जो प्रेय है उसका अंदर में श्रेय नहीं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं मानस की प्रेय आत्मा से नहीं। श्रीमद् भागवत बोल से अनेक जन्म पर मनुष्य जन्म लाभ हो सुतराम यहाँ अत्यंत दुर्लभ। तब यहाँ कह रहे हैं भैया उस श्रेय को कैसे प्राप्त करें, जो आनंद पाने से, जो सुख पाने से, जो चिरकाल के लिए तुमको सुख मिले, आनंद ही आनंद मिलेगा, इसमें कोई दुख नहीं। लेकिन पहले थोड़ी कष्ट लगेगा उसको पाने के लिए, तो पहले थोड़ी सी कष्ट तुमको लगेगा, लेकिन मिलेगा क्या? शाश्वत नित्य ये चीज तुमको प्राप्त होगा, लेकिन पहले तुमको थोड़ी सी कष्ट लगेगा। जैसे देखो, जैसे आप लोग आरंभ में आते हो कितने बजे उठे हो? चार बजे उठे हो, जैसे थोड़ा कष्ट लगा होगा चार बजे उठे, जिस समय बढ़िया नींद आती है सवेरे सवेरे देना सबसे ज्यादा बढ़िया नींद सवेरे आती है, लेकिन उसी समय में तुमने क्या किया? चार बजे बिस्तरा छोड़ करके नहा धो करके तिलक लगा कर मंदिर में, फिर मंदिर में आरती भी देखा, उसके बाद में बाबा को सारे छोड़े से फिर बैठा के कथा सुना। आपको थोड़ी संसार के लिए कष्ट लगता है, लगता है, लेकिन ये जो आनंद है ना, ये जो थोड़ा कष्ट लग रहा है, लेकिन ये तुमको शाश्वत शांति देने, ये आत्मा की असली आहार यही है। शरीर का आहार खेलकर रोटी सब्जी दिलाया, लेकिन आत्मा की जो आहार है, ठाकुर का आर्थ दर्शन करना, भगवान कीर्तन करना, कथा सुना, यही आत्मा की असली आहार है। ये जो आनंद प्रदान करेगा, ये क्या हो रहा है हमारे अंदर में, ये एक संस्कार बन रही है, ये एक संस्कार बन रही है, संस्कार बनते बनते यही आत्मा की असली संस्कार है। इसको अभी तो हम जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं ना वो हमारे स्वभाव के रूप नहीं है, ये स्वभाव ही नहीं है, हैं? ये हमको जोर जबरदस्ती हम आरती में आ रहे हैं, जोर जबरदस्ती कथा सुन रहे हैं, लेकिन करते 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 यही चीज, जैसे बच्चा पहले स्कूल जाना नहीं चाहता है, लेकिन पिता माता उसको तब्दी मिठाई अलग अलग का उसको लोग दिखा करके स्कूल भेजते हैं, लेकिन बेटा जब नौकरी मिल जाता है पढ़ा लिखाई करते हैं, वाह जीवन आराम में मिलता है, लेकिन बच्चे कुछ समय में बड़ा भैया जोर जबरदस्त उठा देते हैं, सवेरे जोर जबरदस्त से पीसती है एकदम कंधे के ऊपर में, है क्या करती है पुस्तक उस लद करके जा स्कूल जा है, लेकिन जब नौकरी मिल जाता है बोले भैया अगर ऐसे में सोते रहा तब पढ़ना नहीं तो बर्बाद हो जाता। उसी तरह अभी जो आप आए हो कष्ट लग रहा है, माता जी को नहीं कह रही है, सोने का समय है ना, सोने का समय में सवेरे उठ करके आए, लेकिन ये कष्ट लग रहा है, लेकिन यही शास्त्रों का आनंद प्रदान करने वाले। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये थोड़ी समय के लिए तुम कष्ट लगता है, लेकिन इसका जो फल आपको मिलेगा ना, जो सोच भी नहीं सकते हो, ऐसे नित्य शाश्वत फल मिलेगा, चिरकाल के लिए समस्त दुखों को समाप्त करके परम आनंद देने वाले। इसलिए अभी हम लोग साधन कर रहे हैं, अभी हम लोग साधक साधन कर रहे हैं, और साधक अवस्था में कष्ट ही है, साधक अवस्था में कष्ट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, भागवत कहता है, ये जो मानव जो शरीर हमें मिला है ना, कहते ये बहुत भाग्य से हमें ये मानव शरीर ठाकुर ने बड़े भाग्य से प्रदान किया, कई जन्म अनित्य अनित्य किंतु परमार्थ पद, यद्यपि ये मानव शरीर अनित्य है। कहते कमल दल जल जीवन दल मल, जैसे कमल पत्ते के ऊपर में जैसे पानी रखने पर वो किस समय भी गिर सकता है, कहते ये मानव शरीर भी ठीक वैसे, कोरोना में कितना लोग चले गए होगा, तीसरा लहर आएगा तो बहुत सारे लोग चले जाएंगे, तो ठीक ही नहीं। इसलिए कितने लोग गए, कहते मानव शरीर तो अनित्य है, लेकिन इसी जीवन में तुम परमार्थ को तुम प्राप्त कर सकते हो, भगवत भक्ति भगवत प्रेम को तुम प्राप्त कर सकते हो, यही जन्म अनित्य के तुम परमार्थ पद। इसलिए प्रभुपाद कहते कहते जो शरीर है ना, कहते शरीर किस चीज से बनी हुई है, अंदर में क्या है, टाटी पेशाब खून पी है,
मिट्टी वायु अग्नि जल आकाश ये अनित्य शरीर अनित्य बस वस्तु बना हुआ है। इसलिए प्रभुपाद कहते जरद गम शरीर, प्रभुपाद कहते जरद गम मतलब किसी चीज की शरीर नहीं है। ये शरीर पर पेश तो ना दो पैसा भी नहीं मिलेगा, बताओ टाटी पैसा फोन पे फोन लेकर पैसा दे को हड्डी लेकर के अगर हिसाब करोगे ना शरीर को कोई भी लेगा नहीं, बल्कि दूसरे जानवर मर जाए उसका शरीर का कुछ लाभ है कुछ मिल रहा, लेकिन मानव शरीर मरेगा तो ये शरीर किसी बल्कि इसको छूने पर तुमको स्नान करना पड़ेगा। जैसे गैया कहीं मर जाए ना उसको छूने पर तुम्हें स्नान नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये मानव शरीर जो मरने का बाद क्या होता है इतने अपवित्र रहते 13 दिन तक हम अपवित्र रहते हैं। घर में गोबर और गंदा पानी छिड़वा करके घर को पवित्र करते हैं। घर का सारे जो व्यक्ति मर जाता है ना घर क्या करते हैं पूरा धुला देते हैं। जो व्यक्ति स्मशान तक जाते हैं शरीर साथ में वो सबके सब नहा धोकर घर में आते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते भैया जो शरीर है ना जरद गम शरीर मतलब इस शरीर किसी काम की नहीं, सबसे गंदा शरीर ये मानव शरीर। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं हे तो जरद गम शरीर बेकार है, लेकिन ये शरीर से एक बहुत बड़ी वस्तु को प्राप्त कर सकते हो तुम, इसी जीवन में भगवत प्राप्ति इस तरह से हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एक अच्छी बात कहते हैं भैया इस शरीर को जितने हो सके रगड़ करके जितने उसमें फायदा निकालो, इस शरीर से कहते जितने फायदा निकाल सकते उतना लाभ जितने हो उसको रगड़ रगड़ करके, क्योंकि इसी शरीर से ही भगवत प्राप्ति होगा और किसी शरीर से तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए प्रभुपाद कहते भैया ये जीवन रहते हुए जैसे जिसको पेट जन्म मिल गया जिसको जानवर जीवन मिल गया गद्दे कुत्ते सुअर अब वो चाहने पर भी मंदिर में नहीं आ सकते हरिभजन कर ही नहीं सकते कर ही नहीं सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कहते बड़े भाग्यवान इसमें कहते हैं अगर ये जीवन पाकर भजन नहीं किया सब पटकते हुए रह जाओगे, लेकिन ये शरीर ठाकुर द्वार में नहीं देंगे। जैसे पेड़ एक जगह पर खड़ा हुआ हरि का भजन नहीं कर सकता, जड़ जैसे पड़ा हुआ जानवर जैसे कृष्ण नाम कर ही नहीं सकते हरि कथा सुन नहीं सकते उनको मुक्ति नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते तो भैया जितने हो सके ना ये शरीर को रगड़ो, ये शरीर को आराम मत दिया करो, ये शरीर को आराम मत दिया करो। प्रभुपाद का एक शिष्य थे और प्रभुपाद का शिष्य कोई बड़ी अच्छी बात कहते थे और वो बोलते हो कि तो उदाहरण दे सकते मतलब उदाहरण देकर कहते थे कोई एक माता जी बच्चा जन्म दे तो जन्म दे रहे थे। इसमें क्या हुआ जब बच्चा माँ जन्म दिया बच्चे का सर निकल गया शरीर नहीं निकल रहा था। अभी क्या किया जाए अभी क्या किया जाए डॉक्टर से परामर्श लिया। जब परामर्श लिया बोले क्या किया जाए डॉक्टर ने कहा देखो एक काम करना पड़ेगा फिर तुमको पेड़ चाहिए ना फल चाहिए, अगर फल चाहिए तो पेड़ को नष्ट करना पड़ेगा, अगर तुमको पेड़ चाहिए तो फल को नष्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है फल मतलब होता है जो बच्चा जन्म ग्रहण कर रहा, अगर तुमको उसको चाहिए तो माता का जीवन को नष्ट करना पड़ेगा तब बच्चा जन्म हो सकता है, जन बच्चा जन्म ले सकता है। अगर तुम चाहोगे तो माता को बचाने के लिए फल को नष्ट करना पड़ेगा, फल को नष्ट करना पड़ेगा तो परिवार चिंता में पड़ेगा क्या कहना चाहिए। चलो भैया अगर पेड़ रहेगा फिर फल होने का चांस है, अगर पेड़ ही नष्ट हो गया फिर तो फल तो होगा ही, मतलब माता जी अगर रह गई फिर तो बच्चा बिगड़ कर जन्म दे सकती हैं है? लेकिन अगर माँ ही नष्ट होगी बच्चा जन्म होगा नहीं, हमको पेड़ चाहिए मतलब माँ चाहिए बच्चा नहीं चाहिए तो बच्चे को टुकड़े टुकड़े काट काट के अंदर निकालना पड़ा घर से। तो वो कह रहे थे देखो कैसे जीवन है जो बच्चा जन्म ले रहा है सर निकला शरीर नहीं निकल रहा है वो बच्चे को टुकड़े टुकड़े काट काट करके पेड़ से निकाल। तो वो कहते थे ये चीज समझाया करते थे हमने इतने कष्ट पा करके इतने इतने कष्ट जीव को भोगना पड़ता, जैसे बकरी को देखना गैया को देखना और मुसलमान का हाथ में पड़ता है कितने बुरी तरह से वो मारते कितने बुरी तरह से मशीन में दे देते हैं बस बटन दबा देते हैं गला काट देते हैं। अब देखना बकरी का तो कैसे रास्ता में बेचते थे
तेरा चमड़ा जिंदा जिंदा चमड़ा उतारा मान। अगर कल अगर इसी जीवन में पाते हुए भजन नहीं करोगे ये सब जीवन में तुम्हें जाना पड़ेगा। बंगाल में एक मछली का पौ मछली कहते हो सर में मरता नहीं, उसको क्या करते हैं कढ़ी कढ़ा के उसको तेल डाल के जिंदा डाल देते हैं। डाल देने पर वो मछली क्या करता है चढ़ा था लेकिन उसको खुंड में दबा करके रखते हैं। मतलब कई से जीवन है। और एक व्यक्ति बोले चाइना में जाए तो चाइना चाइना में कैसे खाते हैं मछली कहते पूरा तेल उबलता है और मछली का जो सर को पकड़ करके पूरा शरीर को उसमें डालते हैं जो उबलते हुए जिंदा। उसको चाइनीज लोग कैसे खाते हैं जब उसका शरीर उबल जाता है फिर प्लेट में रखते थे चम्मच में काट करके खाते हैं। लेकिन कैसे मछली का मुंह चलता रहेगा चलती रहनी चाहिए तब उसी अवस्था में पूरा शरीर उबल गया मुंह चल रहा है मुंह जिंदा हुआ तब उसे चम्मच से काट कर खा गया। अगर वो मुंह बंद कर दिया मछली मतलब मर गया उसका पैसा बटले वाले को नहीं बटले वाले को पैसा नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे जीवन हमें बिताया ऐसे जीवन अगर इसी जीवन में भजन नहीं करो तो फिर लाख चौरासी जीवन में जाना पड़ेगा तुमको फिर उसी जीवन में पहुंचना पड़ेगा कर। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भैया जितने जल्दी हो ना इस शरीर को आराम नहीं दे करके क्या करो जीवन को रगड़ करके भगवान की भजन में लगा दो इधर उधर मन को मत दिया करो। हर जीवन में इस संसार का जो विषय हो हम हर जीवन में संसार करते करते आए। इसलिए श्री त्रिविक्रम महाराज कहते थे देखो विषय कलुषण प्रदर्शया मतलब ये जो संसार है ना ये हर जीवन तुम्हारे लिए रिजर्व है यही मिलेगा जन्म जन्मांतर में यही करते हुए आए खाए पिए बच्चे जन्म दिया और मर गया खाए पिए बच्चे जन्म दिया मर गया खाए पिए बच्चे जन्म दिया मर गया। और जीवन में किया क्या तुमने चार के काम किया आहार खाए निद्रा सोए बच्चे जन्म दिया बड़ा क्या मर गया इससे सिवा जीवन में किया क्या तुमने जीवन। इसलिए हर जीवन में तुम्हारे लिए यही रखा हुआ है। इसलिए वो कहते हैं ये जीवन एक जीवन इसको स्टॉप करो वो कहते हैं एक जीवन स्टॉप कर इसको बंद करो इस जीवन को फिर जाओगे संसार में फिर उसका जो संस्कार बुरे संस्कार पड़ेगा तो वो संस्कार लेकर करते फिर कोई संस्कार चौरासी लग के जीवन जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कहते भैया प्रभुपाद कहते हैं कि जो मानव शरीर दुर्लभ है लेकिन अनित्य है लेकिन परमात्म इसी जीवन में ही तुम भगवत प्राप्ति कर सकते और किसी जीवन में नहीं। एक समय हमारे नारायण गोस्वामी महाराज हम लोग तो ब्रह्मचारी लोग बैठे हुए थे नारायण गोस्वामी महाराज कह रहे बोले देखो हमारे महादेव तीन बार शायद ऑपरेशन हुआ था नारायण गोस्वामी महाराज तीन बार उनका ऑपरेशन पेट का गैस्ट्रिक हो गया था तीन बार ऑपरेशन हुआ था। वो एक समय हमारे ब्रह्मचारियों को बैठे हम बैठे हुए थे बोल रहे देखो अभी तुम लोग यंग शरीर है एकदम जवान शरीर है इसलिए समय को इधर उधर नष्ट नहीं करते थे इधर उधर मन नहीं लगा करते जितना दूर हो भजन कर लो सर क्योंकि जैसे महाराज अपना कहते देखो मेरा जैसे उम्र बुढ़ापा हो गया इतना बार फिर अपर सुना हुई शरीर का मुझे दिक्कत है क्या शरीर में कोई बीमारी आ जाएगा फिर भजन नहीं कर सकते हो फिर भक्ति नहीं कर सकते हो। इसलिए क्या करो जितने से समय मिला इसको शरीर को रगड़ रगड़ करके इसमें हरिनाम गुरु वैष्णव का सेवा भगवान की भक्ति इसी जीवन में जितने हो प्रभु की भक्ति कर लो भजन कर लो इधर उधर मन को मत लगाओ। लेकिन जब शरीर में कोई बड़ी कठिन बीमारी हो जाएगी तो चाहने पर भी ये शरीर को भगवान भजन में नहीं लगा सकते खूब रगड़ रगड़ करके भगवान की भजन कर। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं यही जो अनित्य स्वतंत्रता परित्याग पूर्वक शरणागत होकर निष्कपट भजन कर ले एक जन्म ही भगवत प्राप्ति होते यदि हम किसी जीवन में भगवान को कैसे प्राप्त करें तो प्राप्त करें बोले अपना स्वतंत्रता को हमें परित्याग देना पड़ेगा हम जो चाहेंगे यही करेंगे नहीं हमें जो गुरु वैष्णव जो चाहते हैं गुरु वैष्णव जैसे हमें चलाए हमें वैसे चलना पड़ेगा। इसलिए अपना जो स्वतंत्रता को हमें त्याग देना पड़ेगा नहीं हम ये चाहते हैं अगर ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा नहीं ये सोचो गुरु वैष्णव क्या चाहते हैं उनको इच्छा में हमें अपना इच्छा को मिला देनी चाहिए
ठाकुर जी की इच्छा से हमें अपना इच्छा मिलानी चाहिए, स्वतंत्रता ग्रहण करने से हमारे कल्याण नहीं होगा। इसलिए संपूर्ण रूप में हमें गुरु वैष्णव की अधीनता को स्वीकार करते हुए भजन करेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं शरणागत होकर के निष्कपट रूप में जब भजन करेंगे तब क्या होगा, कहते एक जीवन में हमें भगवत प्राप्ति, एक जीवन में तभी हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अपना स्वतंत्रता को इच्छा अनुरूप हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। हमको वहाँ जाना चाहते हैं, हम वहाँ जाना चाहते हैं, हमको यह अच्छा नहीं लगता है। अगर ऐसे होता तो भैया दुनिया में हरि भक्ति प्रचार नहीं होती। प्रभुपाद का समय में अगर सब लोग चाहते हैं हम धाम में रहेंगे, हम धाम छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, ये जगत में हरि भक्ति प्रचार होता जगत में, हरि भक्ति जगत में प्रचार कभी कुछ भी नहीं होता। इसलिए देखा हम भाई पूछते थे ना, हमारा तीन मठ था, एक नवद्वीप में, एक पुरी में, एक कलकत्ता में। नवद्वीप में गुरु जी केवल एक महीना रहते थे और एक महीना जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में और एक महीना कार्तिक में केवल रहते थे नवद्वीप में और 10 महीना गुरुदेव कलकत्ता में रहते। जिसको गौर किशोर दास बाबा जी महाराज प्रभुपाद को क्या बोला, खबरदार कलकत्ता जाना नहीं, वो कली का स्थान है। प्रभुपाद को गौर किशोर दास बाबा महाराज बोले गुरुदेव खबरदार वहाँ जाना नहीं, वो कली का स्थान, लेकिन सबसे पहले उन्होंने वहीं प्रस्थापन किया। हमारे भक्ति विलास केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति रत्न माधव गोस्वामी महाराज, इनको कलकत्ता में ही ज्यादा रह रहे थे, ज्यादा रह सकते। बोले कारण क्या, बोले वहां पर हरि भक्ति प्रचार हो रही, लोग वहां कथा सुनने के लिए आते थे। धाम में लोग कोई कथा सुनने के लिए इतना नहीं आते, घर घर में मंदिर घर कोई धाम में नहीं आते। पूरी में जाकर देखो बंसीवधरपुर यही बोल रहे थे, दो दिन पहले बात कर रहे थे बंसीवधरपुर वो हम कह रहे थे हमारे बोलो तो कितना बढ़िया प्रोग्राम होता है, जन्माष्टमी को बोला तो कितना लोग आए कथा सुनने के लिए ना, और लास्ट दिन में घर घर में चावल नहीं मिले। तब बंसीवधरपुर कह रहे थे ये महाराज यहाँ पर जो लोग है पूरी में आकर खाकर चले जाते, एक पैसा नहीं होता, ये धाम में प्रचार नहीं होता है। धाम के लोग सुन वहाँ के जो वृंदावन के पंडित लोग बोले जगत गुरु कृष्ण कृष्ण का गुरु काम हरि बोल कृष्ण का झूठा सारा दुनिया खाते हैं, कृष्ण हमारा झूठा खाते हैं, हमारा झूठा खाते हैं। इसलिए हमने देखा गुरु वर्ग को धाम में ज्यादा दिन नहीं रुके थे और धाम में रहकर कोई अपराध करना पाप करना वो वज्रलय में हो जाता है, तो फिर अपराध जाति नहीं है, इसलिए बाहर में जा कहीं अपराध करो धाम में जाओ खत्म हो जाती है, लेकिन धाम में रहकर के कोई गड़बड़ करोगे वो बज्रले में हो जाएगा, वो कभी कभी वो अपराध नहीं जाएगा। इसलिए हमने कहा हमारे गुरु कर रहे थे ये चीज को धाम पास को इतना महत्व नहीं दिया है, वो महत्व दिया महाप्रभु का प्रचार जगत में कैसे होगा, महाप्रभु की प्रचार कैसे जगत में होगा, ये चीज को दृढ़ करते थे। और भक्त विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, जेडी ना गृह भजन देखी गृह पर गोलोक पाए, जहाँ पर हरि कीर्तन हरि नाम वही गोलोक वृंदावन है। अभी झूला में हम लोग गए थे इस बार, झूला में कौन कौन झूला में कितने लोग आए, इस बार कितने लोग आए झूला, पूरा भरा रहा, पूरा 5 दिन भरा रहा, पूरा 5 दिन तक भरा था पूरा झूला स्थिति है। और झूला का दिन तो 3-3 बस बाहर से आई है, तब मेरे को परमेश्वर बात हो रहा था और हमारे भक्तों से बोले ये लोग कहाँ से आए, मेरे को बोल रहे थे करकरी मेरा इसी से ज्यादा बोल रहे थे महाराज जी आप इतने कष्ट सह करके आपने बाहर प्रचार किया है, इसका फल स्वरूप यहाँ पर लोग अगर हम प्रचार नहीं करते तो धाम में बैठ जाते लोग, आते लोग नहीं आते लोग, हमने इतना कष्ट सह करके तीन रात बराबर जा करके हम बाहर इतने प्रचार किया तभी वहाँ पर इतना लोग और 5 दिन तक लोग भरा था पूरा उत्सव केवल ये प्रचार करने का फल है। इसलिए प्रभुपाद धामवास को इतने महत्व नहीं दिया है, वो महत्व दिया महाप्रभु का वाणी, गुरु वर्ग का वाणी कैसे प्रचार हो ये चीज को महत्व दिया है, हैं? इसलिए हम लोगों को भगवान की कथा वाणी जहाँ हरि कथा वहीं पर तीर्थ है। प्रभुपाद कहते हैं ना जेखाने हरि कथा से क्या तीर्थ, तीर्थ कहाँ पर जहाँ पर हरि कथा हो, जहाँ पर वृंदावन में वास कर रहे हैं विषय का चिंतन कर रहे हैं, विषय चिंतन कर रहे हैं, वृंदावन थोड़ी वास हो रहा है, जिस चीज को हम चिंता कर रहे हैं हमारी वही वास,
और धाम में रह करके पाप करने से तो वज्रलेप हो जाता है। इसलिए हमने देखा हमारे गुरुवर का लोग प्रचार में प्रभुपाद का जो शिष्य लोग किसी को बैठने नहीं देते थे। जाओ कोई अगर आ गया ना प्रभुपाद के पास में प्रचार करके, दो तीन दिन हो गया प्रभुपाद करते तो महाराज अभी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे, गए कि नहीं? वो कहते गए कि नहीं हैं, बोले जाओ भेजो जाओ ब्रह्मचारी को लेकर प्रचार करो। अभी देखो इसको हमें कितने प्रचार किए, हम जिधर जाते हैं इसको 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 जहाँ जाते हैं और कुछ सुना है, हम विदेश में जाते हैं इसको, कहीं भी देश में कहीं भी प्रचार करने के इसको इसको, बोले कारण क्या है? कारण इन लोगों ने प्रचार को ही मुख्य किया। तो कहते भजन ही प्रचार है, प्रचार ही भजन है। जब महाप्रभु का वाणी किसी ब्रह्मचारी को बैठ में बैठने देंगे वो आते ही जाओ ये ग्रंथ लेकर चले जाओ, वहां पर चले जाओ, यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर किसी को पट में बैठने देंगे। एक पुजारी रख लेंगे तो जो पूजा करेगा बस एक पर रख देंगे और सबको पुस्तक लेकर जाओ प्रचार कर। तब भी इतने प्रचार है जगत में, जहाँ जाओ इसको दिल्ली में तो उनको 10-11 मंदिर है और एक से एक बड़े बड़े मंदिर है, एक से एक बड़े बड़े, क्योंकि वो प्रचार वही उन्होंने मेन बना दिया प्रचार है। तब भी इतने लोग आ रहे कहते प्रचार ही प्रभुपाद, कहते प्रचार ही यही भजन है। बट वे बैठे बैठे करके बाद बोले भजन करेंगे, हमारे भजन नहीं हो रहे नहीं, सवेरे बैठे करके सोना वाला कर लेंगे जाओ, अरे महापुर प्रचार करते हैं प्रचार करके महाप्रभु का पानी प्रचार करो। अरे हमने भी एक चीज के देखा, जो जितने सेवा किया है जीवन में, जितने सेवा किया है मैंने देखा जगत में उतना ही जगत में प्रतिष्ठित हुआ है, सेवा के बगैर कोई प्रतिष्ठित नहीं हुई। हमारे जिन तीर्थ महाराज थे अब कितना क्लास पढ़े थे, 3-4 क्लास पढ़े हुए, फिर 3-4 क्लास ज्यादा नहीं पढ़े थे तो, लेकिन देखो उनने गुरु वैष्णव को जो सेवा है ना, इतने रगड़ करके गुरु वैष्णव से सेवा किया, इतना चार वाला दिन भर करते कि नहीं मेरे को विश्वास नहीं किस तरह से है, लेकिन इतने उन्होंने रगड़ रगड़ करके उन्होंने इतने उन्होंने सेवा किया, रगड़ रगड़ करके सैनिकों ने इतने उन्होंने सेवा किया। इसलिए सेवा का फल क्या हुआ उनको, उनको सेवा का फल क्या हुआ, सारा दुनिया में प्रचार किया। इसलिए भैया सेवा जितने करेंगे ठाकुर जी, अगर हमें दुनिया में ठाकुर जी हमें बड़ा बनाना चाहते हैं कौन बड़ा बना सकते हैं, हमें ठाकुर ही दुनिया में बड़ा बना सकते हैं, वो जिसको चाहे उसको ही दुनिया में ये बड़ा बना सकते हैं। अगर ठाकुर जिसको नहीं चाहे जगत में जितना कुछ कर लो ना वो कुछ होने वाले नहीं, इसलिए क्या करो जितना हो सके भजन करके हरिनाम करके, फिर क्या करो फिर महाप्रभु का वाणी को जगत में प्रचार प्रसार जगत में करो, बात किसी से ही गुरु वैष्णव प्रसन्न होते हैं, इसी से गुरु वैष्णव कृपा करते हैं। इसलिए यहाँ देखते भैया हमारे अपना स्वतंत्रता को परित्याग करके जब निष्कपट होकर गुरु वैष्णव ठाकुर के चरण में शरणागत हो जाएंगे तब एक जीवन में भगवत प्राप्ति, एक जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी हमारे। अरे मैंने कितना पढ़ा, हमने भी ज्यादा कोई नहीं पढ़ी, हमने भी लिखा पढ़ा ज्यादा नहीं किया है, लेकिन मैं जितने सेवा करता था मंदिर में ना, ये पूरा मंदिर में सब जितने सेवक मिलकर करते हैं, मैं अकेला उतना सेवा करता था। मैंने चार माला किसी कष्ट कर से चार माला मैंने बहुत कष्ट से चार माला करता था, लेकिन मुंह में हरिनाम करता था सेवा करते करते, इतने मेरे ऊपर सेवा के इतने दायित्व था। सवेर उठ करके मैं ठाकुर का जो सब्जी हमने हमें करता था हमारे पूरी बैठक, उसके बाद अभी दिन नहीं हुआ रात है सब्जी अपने यहाँ करके रात रात में चले अपने छोटा कुछ नहाते पूरी वहाँ पर जो पानी टाँगती वहाँ पर फूल का पेड़ है बोलो बच्चा अभी पेड़ है वहाँ जाकर रहता रहा फूल वहाँ से तोड़ कर लाता ला करके फिर मंदिर में अगर कीर्तन हुआ फिर बैठ गया। उसके बाद हमारी फूल की मंदिर पीछे फूल की बगीचा वहाँ फूल चयन करता था, फूल चयन करके सारे करके फिर क्या करता था बर्तन भरता था, बर्तन भरना मेरा सबक था और कितना बर्तन तुम सोच नहीं सकते, 12 जगह पर पूजा हो सकती है गुरुदेव रहते समय 12 जगह पर पूजा, इतने सारे ढेर बर्तन को मेरे प्यार को पानी में मेरे प्यार एकदम बदबू निकलता था, किसी तरह से तेल लगा कर रात में सो सकते तो पानी में कितने समय रहना पड़ता था, तो एक प्यार में सड़ जाते फिर इतना नहीं बर्तन बल करके फिर जाता था मार्केटिंग करने के लिए,
जो लक्ष्मी बाजार साइकिल में पूरा बाजार का सारे दायित्व मेरे ऊपर में था, चावल लाना, दाल लाना, किसी चीज़ की सब्जी लाना, रोज आकर सब्जी लाना। सब्जी लाने किस तरह से आए, जब आगे जो मंदिर को परिष्कार करता था, जो नाथ मंदिर था हमारे मंदिर में, उसका दायित्व मेरे ऊपर था। हमारे मंदिर में सवेरे कीर्तन खत्म होते सब लोग मंदिर साफ में लग जाते, उसका मंदिर के साफ करना। उसके बाद उधर से आ करके फिर जो फूल की जो माला बनानी है ना, ये फूल बना माला बनाना मेरा सिखा था, आगे फूल की माला बनाता था। फिर मंदिर में हमारी सुंदर था, हमें कैसे हरकत आ सके, जब गुरुदेव बोलते थे लोग आए उनको समझा करके क्या करना, फिर लोगों का हम हरिकथा बोले समझा करके कृष्ण जी किया महाभूत लीला करते करते फूल की माला यहाँ तो कितना समय हो जाता था, एक बज जाता था सबर चार से लेकर के श्वास लेने का अभी मेरी समय नहीं है, श्वास लेने के इतने एक बजे तक सेवा किया, सेवा करते हुए उसमें तो थक जाता था, करते करते थक जाता था। थकने के बाद फिर कुछ श्राप करके फिर उठ करके हमारे मंदिर में दर्शन करने के लिए होता, फिर झाड़ू ले करके मंदिर साफ करने का बैठा था, फिर बर्तन धोना, फिर हमें बर्तन धोना, करते करते चार बजे से था, चार बजे मंदिर में कीर्तन हो रही थी, कीर्तन में बैठता था, फिर कथा सुनते सुनते अगर कोई लोग आ गया अगर भी क्या करता था, ऐसे करते करते शाम हो गया। शाम का हमारे मंदिर में जो प्रसाद पाते हैं ना, हमारा मंदिर में एक साथ सब बैठे रहते हैं, सबको थाला में सजा देते हैं, जितने सेवक है सब थाला में सबको सजा सजा करके रख लेते हैं, जिसका जिस समय समय होगा अगर खा लेगा इसको सजा कर लेते था। फिर ठाकुर जो प्रसाद जो आएगा जाएगा रास्ता को पूरा हमारे मंदिर में साफ करते, ऐसे नहीं आ जाता प्रसाद आपस में गंगा पानी छिड़का करके। फिर करते करते इतने थकान सी हो जाते सजे सेवा करते करते इतने, और हाँ मेरी मन में श्लोक सीखने का बड़ी इच्छा थी, हरी कथा बोलने की बड़ी शौक था। देखो हरी कथा में कैसे सीखता था श्लोक कैसे, मेरे कभी याद नहीं आता है, मैं कभी बैठ करके श्लोक याद नहीं, लेकिन मेरी मन में बड़ी इच्छा थी हम श्लोक सीखे, हरिनाम करें और कथा प्रचार हरी कथा बोले। कैसे श्लोक, जैसे फूल की माला बनता था सामने ग्रंथ गौरी कंठा रहता था, इधर माला बनाता था और इधर क्या करता था, फिर हम चेत दर्पण मार्जनम का तद्विधि परिपात्र परी केवल माला बनाते बनाते करता था। उसको बाद में जब हमारे नाथ मंदिर साफ करता था पूरी मठ में गए होंगे, देखना शिक्षा श्लोक लिखा हुआ है गुरुदेव के दीवार लिखे ये उपदेशा में तो शिक्षा मिलता, मैं इधर इधर मंदिर साफ करता था, चेत दर्पण मार्जनम चेत दर्पण मार्जनम चेत बोल बोल करके ना उस श्लोक जो याद किया बैठ करके याद नहीं किया, ऐसे करते करते हमने श्लोकों को याद किया। फिर उसको लिखा हुआ नाथ मंदिर में मैंने सेवा करते 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 ये सारे श्लोकों मैंने याद किया सेवा करते करते। और जब मार्केट में जाता था हाथ में श्लोक लिख कर लेता था, हाथ में श्लोक लिख करके और लिख करके जाता था साइकिल में श्लोक देख देख कर याद करता, अपना जीवन को अब सोच नहीं सकती इतने रगड़ करके मैंने सेवा की। और मैंने देखा जो जितने सेवा करता है ना भैया बेवा उसको उतना ही मिलता है। तीर्थ महाराज हम जो मंदिर में आए उनके परिश्रम हम कर ही नहीं सकते, तो बड़ा बड़ा भंडार होता था ना सारे उसे लकड़ी का वही उसे बना देते, सारा शरीर से पसीना बहता था और इधर से महाराज कथा होती तो शुभानंद आ जा कथा करने गामछा पहन के, गामछा पहन के कहा जाएंगे आकर के क्या करेंगे पूरा खड़े होकर कथा। हम लोग तो पहले तैयारी करते थे कथा कैसे हो, उनको तैयार भैया कुछ नहीं वो आए गामछा पहन कर बोलना शुरू कर दिए, ये सबसे टफ कथा बोली। हमने देखा जो जितने सेवा किया है ना उसका हृदय में उतना ही स्फूर्ति हुआ, उसका हृदय भगवान जिसको चार कर सही जाने जाने देहु जाना है, इसलिए भगवान कृपा करके जो जाना था वही जान सकता है, नहीं तो कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं जान सकता है। जो बनवारा जी आप सोच नहीं सकते उन्होंने जो सेवा किया साइकिल में कभी दो तीन बार बेहोश होकर रास्ता में गई किस पर हम लोग उठा कर लाए, कितने उन्होंने भिक्षा किया और सारे भिक्षा को उसको हृदय को दे देते एक भी पैसा हृदय को दिया करते, कितने रगड़ करके उन्होंने सेवा किया, दो तीन बार तो मृत्यु का कारण आ गया मरने का, लेकिन किसी तरह से बचे अभी देखो सारा दुनिया में प्रचार कर रहे। इसलिए जिसने जितने सेवा हमने की ना देखा भगवान उसको ही जगत से इतना बड़ा उन्होंने ठाकुर जी बना दिया, इसलिए क्योंकि हम बद्ध जी गए किसी समय में
अगर कोई सोचे हम तीस बार भगवत स्मरण करके बैठ गए भले, नहीं नहीं होगा। क्यों बता जी, हम पहले पहले जो काम करते करते आए ना, वो पहले वही स्मरण होगा, वही क्यों जो करते करते आए। लेकिन आप जैसे जो सेवा में लग जाते हो ना, मन तुम्हारी उधर नहीं जाता है। इसलिए हमारे गुरु जी सेवा में ज्यादा महत्व, हमारे उधर सेवा में ही ज्यादा महत्व है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं जब एक जीवन में हमें भगवत प्राप्ति हो सकता है, अतः धीर व्यक्ति मृत्यु रो पूर्व पर्यंत आज क्षण मात्र विलंब ना करे, चरण कल्याण का आवर्जन जत्न करे। जो धीर व्यक्ति वो क्या करेगा, कहते मृत्यु का पूर्व पर्यंत जब तक ये मृत्यु नहीं हो जाए, क्या करने चाहिए, क्षण मात्र भी विलंब नहीं करके, थोड़ी समय भी कभी नष्ट नहीं करके क्या करनी चाहिए, अपना जो चरम कल्याण है, क्या है भगवत प्राप्ति, उसी के लिए जत्न से भी होनी चाहिए। आहार विहार के विषय सकल जन्म पावा जाए कि तो परमात्म जन्म अन्य जन्म लाभ है ना। कहते आहार विहार ये संसार की जो काम है, कहते हर जीवन में जीवन मिले हैं, हर ये रिजर्व तुम्हारे लिए है, हर जीवन में तुमको यही करते करते आए यही मिलेगा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, कहते भैया समय को नष्ट नहीं करके इसी जीवन में कैसे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्त कर सकते हैं, फिर इसके लिए जत्नशील होनी चाहिए। यही बुद्धिमान का व्यक्ति है, इसे समय नष्ट नहीं करते हुए क्या सब भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में और भगवान के भजन में पूरा पूरा जीवन को रगड़ करके लगा। ठीक है, पिता गौर मंशा गुरु दुर्गा।